बात करेंगे यहाँ इसी खबर के अंतर्गत यहाँ बताया गया 8 तारीख से होंगी डीएलएड की दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा, तो यहाँ पर भी जो है बताया गया। और यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर दूँ, यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको जो शिक्षक भर्ती के लिए जो है अभी 2 माह का करना होगा इंतजार आपका, मतलब क्या अभी चल क्या रहा है, चल रहा है इसमें आपका जो दिसंबर है ना, इसके बाद क्या जनवरी आएगी, और जनवरी के बाद क्या आएगी आपकी फरवरी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जनवरी और फरवरी के बाद मार्च के फर्स्ट वीक में आपको जो है इसका एग्जाम करा लिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर जानकारी लिखा हुआ, वहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये। और यहाँ पर बताया गया, थोड़ा जूम कर दूँ, यहाँ पर बताया गया प्रदेश के जो है, यहाँ पर बताया गया शिक्षक भर्ती के लिए 2 माह का करना होगा इंतजार। प्रदेश के आसाद के साथ प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में आसाद के साथ प्राप्त जो डिग्री कॉलेज हैं और शिक्षक भर्ती और इंटर कॉलेज आपका जो है, और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है गठन के बाद पहली बैठक के में इसके बाद ही जो परीक्षा तिथि पर कोई निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर होनी थी भर्ती, ठीक है। तो अशासकीय सत्ता प्राप्त जो स्कूल होते हैं वहाँ पर टी जेड पी जी भर्ती वो अटकी पड़ी है, वो मार्च में कराई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसमें लिखे इसमें जो है लिखा जो जा चुका है 4163 पदों पर भर्ती थी वो, तो इसमें वो होने वाली है। अब आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, है ना, टेंशन फ्री रहिएगा क्योंकि यहाँ पे जो है भर्तियाँ यहाँ पे जो है बता दिया गया, ठीक है। आप यहाँ पे जो है केवल और केवल आपको जो है इस समय जो है वो तैयारी करनी चाहिए, और ये भर्ती प्रक्रिया जो है ये मार्च में शुरू हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो जैसा जानकारी यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे जो है ये 2 महीने इंतजार करना होगा, 2 महीने मतलब आपको जनवरी और फरवरी में। तो बात करेंगे यहाँ पे जो है ये एम फिल मान्यता प्राप्त डिग्री जो नहीं है, क्या मतलब क्या जो उन्होंने कहा है कि एम फिल जो है यूजीसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत एम फिल की जो डिग्री है वो मान्यता प्राप्त नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये एम फिल वाले एडमिशन ना लें, क्योंकि उन्होंने कहा कि एम फिल की डिग्री जो मान्य नहीं होगी, ठीक है। यूजीसी जो है उन्होंने कह दिया कि जो है बुधवार को उन्होंने कहा है कि जो जितने भी डिग्री कॉलेज हैं और ये यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर एम फिल की डिग्री लेना, क्योंकि हाँ पीएचडी वाले वैलिड होते हैं ना कि एम फिल वाले जो है ये। और आज के लगभग जो सभी समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि एम फिल को जो आप मान्यता नहीं मिलेगी और ना ही दाखिला लेने मान्यता नहीं है उनको जो है ये। प्रोफेसर जो है रज्जू भैया विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो प्रैक्टिकल छूट गए थे उनका जो आखिरी अपॉर्चुनिटी आज मौका है, आज ये वो अपना जो है प्रैक्टिकल दे सकते हैं ये। बात करें यहाँ पे जो बवाल में जो है 5 माह से फरार चल रहे आरोपी को जो पुलिस ने किया गिरफ्तार, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो 5 महीने से जो वो चल रहे थे वह शांति भंग करने आरोप में इनको जो है वो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और यहाँ पर लिखा हुआ युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने खुद कहा कि गलत वो तरीके ढंग से गिरफ्तार किया गया, मतलब अनिल अध्यक्ष जो है इनको खुद गिरफ्तार कर लिया गया है। कल ही पत्थर गिरजाघर में धरना दे रहे थे नौकरी के लिए कि नौकरी नहीं निकलना है इस समय जो है ये, तो इसलिए जो है तो पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बात करेंगे इसमें डीएलएड आप जानते हैं बीटीसी होता है, तो दूसरे सेमेस्टर की जो है 8 से और चतुर्थ श्रेणी की जो है सॉरी चतुर्थ जो है सेमेस्टर की जो है 11 जनवरी से होंगी परीक्षाएं। तो कहना मतलब कि सेमेस्टर परीक्षा यहाँ पर जो है वो तिथि घोषित यहाँ पर हो चुकी है। बात करेंगे यहाँ पे जो राजकीय पॉलिटेक्निक में जो है भर्ती होंगे शिक्षक, तो यहाँ पर जो राजकीय पॉलिटेक्निक के अंतर्गत जो 5 राजकीय जो पॉलिटेक्निक है ना तो वहाँ पर भर्ती के लिए यहाँ पे भेजा गया है। और यहाँ पे जो उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। अब यहाँ पे जो एक तो आपका जो हम ये मैनपुरी है राजकीय पॉलिटेक्निक मैनपुरी के अंतर्गत किसनी में जो भर्ती के लिए बोला गया वहीं पर जो है ये लगभग उत्तर प्रदेश में जो है कई सारे हैं आपका ये चमरुआ है रामपुर हो गया रामपुर है आगरा है मैनपुरी है और आपका जो है ये अभी है ना 2 जिले हैं। तो यहाँ पर ये 5 राजकीय डिग्री कॉलेज में भर्ती के लिए यहाँ पे जो है बोल देगा सभी पदों पर भर्ती कराई जाएगी। इसके बाद टीचर के बाद इसके बाद आपके बाबू और चपरासी की भर्ती भी इसमें बहुत जल्द इसमें कराई जाएगी। बात करें यहाँ सिपाही भर्ती उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो आयु सीमा में 3 साल की छूट के लिए यहाँ पे बोला गया अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन और इम्तिहान बीता इसमें 1 दिन है ना देर रात अपडेट वेबसाइट, तो वहाँ पर जो है बोला गया कि सिपाही भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन इसमें जो है शुरू बढ़ सकती है आवेदन की तिथि, मतलब कि बढ़ सकती है आवेदन की तिथि जो है पक्का अभी कोई गारंटी नहीं है क्या ना मतलब बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस तरीके से आप देख सकते हैं सिपाही भर्ती के लिए ऑनलाइन इसमें आवेदन जो है बढ़ सकती है 60,244 पदों पर जो है ये आवेदन की तिथि बुधवार को ये जो अपडेट कर दी गई वेबसाइट, यहाँ पर भी आप ये जो है देख सकते 3 साल की छूट मिल गई है। अब आराम धड़ल्ले से जो है फार्म डालिएगा इसके अंतर्गत, ठीक है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि यहाँ पर जो है ये झारखंड में कहना मतलब क्या है कि झारखंड में जो कांस्टेबल भर्ती निकाली गई उसकी डेट मैंने बताई थी आपको 14 फरवरी, ठीक है। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा यहाँ पे जो 14 फरवरी की डेट यहाँ पे जो बताई गई 4919 पदों पर वैकेंसी के लिए यहाँ पर कांस्टेबल भर्ती जो है वो झारखंड में मैंने आपको बताई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डेट बढ़ा दी गई है। बात करें यहाँ पे इस तरीके से जो है झारखंड वाला आप कांस्टेबल भर्ती का और प्लस जो झारखंड का अलावा उत्तर प्रदेश का भी जो है
वो आप डालिएगा फॉर्म। बात करेंगे यहाँ अनुदेशक को 17,000 रुपये देने की जो डिमांड कर दी गई है, तो यहाँ पर क्या डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पर जो है हमको जो नियमितीकरण इसमें होने तक जो है अनुदेशक को जो 17,000 रुपये जो है ये दिए जाएँ ईगो गार्डन के अंतर्गत। कहने मतलब ये लड़का लगातार लड़के धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारी जो डिमांड को पूरी की जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो है और हो सकता है इलेक्शन को देखते हुए फैसला इनका जो है ले लिया जाए इलेक्शन सर पर, इलेक्शन को देखते हुए यहाँ पर 3 साल की छूट जो उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस भर्ती में जो है बढ़ा दी गई, 3 साल की छूट जो है यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन को देखते हुए ही जो है उनको जो 3 साल की छूट जो है कांस्टेबल भर्ती में दी गई थी। और इस तरीके से यहाँ पर भी इनको जो है इनकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, 17,000 रुपये दे दी जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जो है यहाँ पे बोला गया, ठीक है। यहाँ बात करेंगे यहाँ पे शिक्षा मित्रों समस्या के समाधान के लिए जो है बैठक 18 तारीख को इसमें होगी, इसमें जो है इनकी सैलरी भी जो है इंक्रीज कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे जो उन्होंने जो है बताया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 18 जनवरी को है बैठक के लिए यहाँ पे बोला गया। तो यहाँ पर जो शिक्षा मित्र समाधान के लिए यहाँ पे जो है बताया गया, आप देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। और भी यहाँ पर बताया गया इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की काउंसलिंग जो 5 तारीख को कराई जाएगी। बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन के लिए यहाँ पे जो बांदा बदायूं आपका कन्नौज जालौन यहाँ पर जो है इस तरीके से यहाँ पे जो पूरा स्वशासी कॉलेजों के लिए जो है 31 तारीख को कराई जाएगी यहाँ पर जो है ये। बात करेंगे यहाँ पर टीजीडी पीजीडी, तो यहाँ पर टीजीडी पीजीडी जो पुरानी वाली भर्ती यहाँ पे जो रिक्त पद जो है नहीं मिलने पर अटकी टीजीडी पीजीडी काउंसलिंग, तो यहाँ पर जो इस तरीके से काउंसलिंग यहाँ पर अटक चुकी है, यहाँ पर जो अपसित पैनल के अभ्यर्थी आरोपित यहाँ पर जो है ये पैनल के लिए बोला गया। और यहाँ पे इस तरीके से आप ये जो है देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस तरीके से यहाँ पे काउंसलिंग के यहाँ पे जो है बताया गया। तो इस तरीके से आप ये जो है देख सकते हैं पूरा ब्यौरा यहाँ पे जो दिया हुआ है ये जो है। और जो पुराना भर्ती विज्ञापन जो अपडेट करके जो पूरी चयन प्रक्रिया कर रखने मतलब क्या यहाँ पर जो है ये चयन प्रक्रिया करने के लिए यहाँ पर जो है तो बोला गया। आप देख सकते हैं अभी टीजीडी पीजीडी की वैकेंसी खाली नहीं थी, पर हाँ अपडेट इनको जो भेज दिया था अध्याचन जो है अब काउंसलिंग इनकी बहुत जल्द कराई जाएगी, पुरानी वाली जो टीजीडी पीजीडी चल रही है सीटें रिक्त थी यहाँ पर जो है ये। बात करेंगे यहाँ पे कांस्टेबल और सॉरी बात करेंगे यहाँ इंटर कॉलेज लिपिक भर्ती की, तो यहाँ पे लिपिक भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है, मैंने आपको दिखाया कल का वीडियो में। और यहाँ पे जो है जिन्होंने जो है इनमें ज्वाइनिंग ले लिया उनकी सैलरी कब आएगी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लड़के डिमांड कर रहे हैं सर हमारा जो है ज्वाइनिंग चपरासी भर्ती का ज्वाइनिंग जो है कहने का मतलब क्या है, सैलरी जो नवंबर में इन्होंने ज्वाइन किया था पर अभी तक सैलरी नहीं आई है, तो इनको मैं बताना चाहूँगा सैलरी आपकी जो है आपकी कब सैलरी आएगी, कहने मतलब कि जनवरी में आएगी, क्योंकि 3 महीने का टाइम लगता है अभी नवंबर में ज्वाइन किया तो नवंबर दिसंबर जनवरी के फर्स्ट में आपकी सैलरी इसमें आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह इसमें होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप ये देख सकते हैं पूरा बताया। इलाहाबाद मंडल 4th क्लास की जो वैकेंसी में उसमें जो इंटरव्यू के समय ईपीएफ और इसमें सब मांग रहे हैं, तो मतलब क्या होता है ईपीएफ का मतलब होता है ये सैलरी कटती है आपकी, ठीक है। सैलरी कटती कटने के बाद आपको सैलरी जो कुछ सरकार देगी उसमें और कुछ वो है, ठीक है। तो मेरे चैनल पर अगर नहीं है तो प्लीज़ भैया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैरी प्लस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।